Vocal for local turns local to global. Yes, ladies and gentlemen, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस लाइव श्रृंखला में जो फेसबुक पर खाद्य खुराक न्यूज के माध्यम से हम जो देखते हैं. और आज हमारा टॉपिक है दैट इज क्रीम आइसक्रीम ऑल्स क्रीम फॉर आइसक्रीम एंड आइस हलवा. लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी मीठी मीठी बातें होने वाली हैं. और हमारे साथ मौजूद आज तीन दिग्गज फूड इंडस्ट्री के पहले विजनरी मैन श्री हिमाचल मेहता जी फ्रॉम खाद्य खुराक न्यूज. बहुत बहुत स्वागत हिमाचल जी. थैंक यू निखिल. श्रीगलाज आइस हलवे मौजूद है मिस्टर योगेश मेवाड़ा. आपका बहुत थैंक यू. एंड फ्रॉम मनमोहक आइसक्रीम वी हैव श्री मुकेश कोठारी जी. बहुत नमस्कार. बेहतरीन लाइव सेशन. वी वेलकम यू क्यू आर हमारे साथ. सर कैसा लग रहा है आप सभी को? बहुत अच्छा. बहुत सुंदर दिख रहे हैं आप. थैंक यू. हमारे साथ जुड़े हैं खाद्य खुराक न्यूज. धन्यवाद. और हम सभी से बहुत सारी बातें करते हैं खाद्य पदार्थ के बारे में. और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आइसक्रीम एंड आइस हलवा. बट बिफोर बिगिनिंग दैट एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज है. हमारा भारत जो देश है थोड़े डिस्टेंस पे हमारी संस्कृति बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं भाती हैं और बहुत सी चीज बदलती. लेकिन चीज नहीं बदलती वो है फूड. खाना फूड ऐसी चीज है जो यूनाइट करता है. भले ही अलग अलग प्रकार फूड जो यूनाइट करता है लोगों को वो कभी नहीं यूनिटी नहीं बदलती. और मुझे बड़ी खुशी है आज का जो दिन है. एक I think there is some technical problem with Nikhil. He will be rejoining us. और आज जो बेहतरीन न्यूज है हमारे पास वो ये है कि गुजरात is been awarded by FSSSI as the number one state. ये जो खाद्य सलामती का खाद्य सुरक्षा का जो कायदा है जो FSSSI Act है इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में इसको अमली करने के लिए गुजरात को चुना गया है नंबर वन स्टेट. 20 डिफरेंट स्टेट्स बड़े स्टेट्स जो थे उस वो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. और ये जो पार्टिसिपेशन है उसके अंत में जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें गुजरात इज रैंक्ड एज नंबर वन एंड देन सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु एंड थर्ड नंबर पे जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है. तो ये काफी गौरवपूर्ण बात है हमारे लिए कि गुजरात को FSSSI द्वारा नंबर वन स्टेट चुना गया है. वी विश श्री डॉक्टर एच जी कोशिया सर एंड हिज एंटायर टीम वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस. थोड़े दिन पहले ही हमारे साथ डेप्यूटी कमिश्नर श्री दीपिका चौहान जी भी जुड़े हुए थे, उनको भी ढेर सारी बधाई. एंड व्हाट शी सेड वाज दैट जो FSSSI का स्ट्रक्चर है गुजरात में दैट इज नॉट वर्टिकल बट इट्स अ हॉरिजॉन्टल. दैट मीन्स ईच एंड एवरी ऑफिसर हाथ से हाथ मिला करके काम करते हैं एंड दैट हैज मेड गुजरात प्राउड इन होल कंट्री. सो अगेन कांग्रेचुलेशंस टू द होल टीम. थैंक यू. कांग्रेचुलेशंस टू द होल टीम. आरोग्य सेक्रेटरी FDA गुजरात टू विन दिस टाइटल. पूरे ही देश में पहला स्थान मिला है और हमने 7th जून को सेलिब्रेट किया वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे. और इसी सेफ्टी के सेफ्टी के माध्यम से मतलब सेफ्टी के लिए जो बात सरकार कर रही है वो हमारे पूरे देश में सबसे अव्वल नंबर पर उनको स्थान दिया गया है. सो वी आर वेरी प्राउड एंड हैप्पी दैट गुजरात गवर्नमेंट FDA गुजरात इज वर्क्स हाइजीन एंड फूड सेफ्टी मेजर्स. एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट खाद्य खुराक न्यूज के द्वारा हम ये न्यूज शेयर कर रहे हैं. वी आर वेरी प्रिविलेज्ड एंड हैप्पी बिकॉज श्री हिमाचल मेहता जी पिछले बहुत सालों से इसी क्षेत्र में और इसी लाइन में अपने एफर्ट्स डालते हैं दैट इंडिया में फूड और इंडियन फूड हमेशा प्रमोट होता रहे और फूड सेफ्टी हमेशा आगे आगे हो. ओके चलिए तो आज आगे बढ़ते हैं और हम आज के टॉपिक पे बात करेंगे करने वाले हैं टीम एंड आई हलवा. यस लेडीज एंड जेंटलमैन आज हमारे साथ मीठी मीठी बातें होने वाली हैं. सो सबसे पहले
मैं पूछना चाहूंगा श्री हिंगलाज आइस हलवा के योगेश सर से, सर कैसे आपने इस श्री हिंगलाज आइस हलवा की शुरुआत की और आइस हलवा नॉर्मल हलवा से कितना अलग होता है? आप एक से बहुत इंस्पायरिंग है ये जानना कि बहुत सालों पहले शुरुआत हुई थी ये बहुत स्थान पूरे विश्व में, उसके बारे में उस जर्नी आप क्या कहना है प्लीज टेल अस। निखिल जी, सबसे पहले तो मैं गुजरात के लिए जो गुरुपूर्ण दिन है, जो हमको पूरे गुजरात को पहला स्थान मिला है, इसके लिए पूरे गुजरात वासियों इंडस्ट्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और अब मैं आता हूँ मेरी बात पे, जो आइस हलवा है इसकी जर्नी एक्चुअली हम लोगों ने स्टार्ट की थी, मेरे फादर ने। और ये लोकल हलवा जो होता है, जो लोकल हलवा जो मिलता है वो गर्म होता है, इसको आइस हलवा इसलिए बोलते हैं कि पूरा ठंडा सर्व किया जाता है। 1982 में मेरे फादर ने इसको यहाँ पे अहमदाबाद में एक छोटी सी शॉप लेके इस बिजनेस को चालू किया था, जो खुद उसको बनाते थे। सबसे पहले ये पारिवारिक बिजनेस था, हम लोग सब परिवार के सभी लोग मिलके उसको बनाते थे और डिस्पैच करते थे लोगों को, सब स्वीट की शॉप पे हम लोग सप्लाई करते थे। और उसके बाद में लोग जुड़ते गए, काम करता होता गया। आज की तारीख में गुजरात में हम लोग सभी जगह पर ओवरऑल 70% मार्केट गुजरात में स्वीट की शॉप पे हमारा आइस हलवा वहां बिक रहा है। दैट्स ग्रेट योगेश जी, 70% जो हलवा है पूरे गुजरात में वो उनके वहां से जाता है, जितने भी स्वीट शॉप है ऐसा उनका कहना है। तो दैट्स रियली अ प्राइड फॉर अस आल्सो। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गुजरात के अंदर जितने भी अपनी पब्लिक है, गुजरात के जितने भी फूड खाने वाले हैं, उसने अगर आइस हलवा अगर गुजरात में परचेज करके खाया होगा तो 85% गारंटी के साथ में बोलता हूँ वो हलवा मेरी फैक्ट्री में से बना हुआ है। ग्रेट ग्रेट, ओके ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम मुकेश सर से पूछेंगे। सर आपसे हम और भी बात करेंगे और हम पहले मुकेश सर से पूछेंगे कि किस तरह से मनमोहक आइसक्रीम की शुरुआत हुई थी, कौन से वर्ष शुरुआत हुई थी, कहाँ से शुरुआत हुई थी और क्या क्या थॉट था कि मनमोहक आपने कंपनी का नाम रखा। प्लीज आपकी जर्नी के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। 1972 में हेलो 1972 में फादर मेरे सूरत आए थे, यहाँ बागल विस्तार में एक जन्माष्टमी का मेला लगता था। फादर पहले अहमदाबाद में नौकरी करते थे तो यहाँ उन्होंने आइसक्रीम की यहाँ जो मेला लगता था उसमें आइसक्रीम बहुत बिकती थी, तो 8 दिन के लिए किसी ने उनको नौकरी के लिए बुलाया था आइसक्रीम की उस पे। तो यहाँ आके उन्होंने देखा कि यहाँ आइसक्रीम का अच्छा चलन है, अच्छी लोग पसंद करते हैं, अच्छी वेराइटी लोग हैं, तो आइसक्रीम का यहाँ बिजनेस मुझे शुरू करना चाहिए। तो 1972 में उन्होंने एक छोटी सी लारी से रामपुरा में एक आइसक्रीम का शुरुआत किया था और 72 से 78 तक वो लारी फुल फ्लेस और अच्छा सा सेटअप कर गया। 78 में उन्होंने रामपुरा में रुगनाथपुरा में हमारा फर्स्ट पार्लर स्टार्ट किया था। गरीब परिस्थिति में से आते थे, बहुत सी मेहनत थी, आइसक्रीम का धंधा भी उस टाइम बहुत मेहनत का था, हाथ का संचा से बनाना, रोज बनाना, रोज माल उसी लारी पे बेचना, ना कोई फ्रिज ना कोई बर्फ का उस टाइम का उस तरह का काम था। 78 से पहला पार्लर हमारा उन्होंने रुगनाथपुरा में स्टार्ट किया। और मनमोहक आइसक्रीम नाम रखने का ऐसा है कि फादर को खुद को आइसक्रीम बहुत पसंद थी, तो उन्होंने यह सोचा कि भाई मैं ऐसा ही बिजनेस करूं जो मुझे रोज खाने को भी मिले। तो उन्होंने कि भाई ऐसे आइटम बनाए जो मन को एकदम लुभा ले, और मन आइसक्रीम ऐसी चीज है कि जो भाई देखते ही मन मोहक हो जाए। तो उन्होंने नाम भी इसी तरह उसका इस तरह रखा कि मन मोहक, एक यूनिक नाम भी हो और सबसे अलग भी हो, एक ट्रेंड अलग हो और उस पर आइसक्रीम पे सार्थक हो। तो वो मनमोहक आइसक्रीम तब से हमने फादर ने स्टार्ट की थी। 88 में मैं इस बिजनेस में आया, मेरा फादर जब सूरत आए था तभी मेरा जन्म हुआ था 72 में। और 82
क्या बात है। 88 में मैंने पढ़ाई छोड़ के मैंने ये बिजनेस में स्टार्ट हुआ। मैं 88 से 4 साल तक मैं हमने दूसरा पार्लर कतारगंज पर मैं उसको मैंने हैंडल किया और उसके बाद ये धीरे धीरे आगे जर्नी बढ़ी। और उसके बाद हमने 88 पहले जो मोटर के संचय पर आइसक्रीम बनाते थे उसके बाद छोटे सी लारी से एकदम छोटे सी बेजिक से स्टार्ट हुआ मनमोक आइसक्रीम की जर्नी। और 92 के बाद जो नई टेक्नोलॉजी आई, नया चर्नर, होमोनाइजिंग, वो सब चीज हम आए उसको अलग तरीके से हाइजेनिक। और 2000 के बाद हमने हमारे पार्लर बढ़ाना शुरू किया। 2000 से 2010 तक में हमने खुद तो बहुत छोटे से स्केल से आपने शुरुआत की और आज सूरत में है और काफी सारे प्रदेशों में, गुजरात में और महाराष्ट्र में भी आपके आइसक्रीम के स्टॉल्स हैं और आइसक्रीम पार्लर्स हैं एंड दे आर ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल। मनमोहक आइसक्रीम मैंने भी देखे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है हम सबके लिए। सो मैं जानना चाहूंगा श्री हिमाचल मेहता जी से कि सर आपने कभी मनमोहक आइसक्रीम ट्राई की है, कौन से फ्लेवर्स हैं, वो मैं सर से बात करूंगा ही, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि कभी आपने आइसक्रीम मनमोहक ट्राई की है? ऑफ कोर्स यस, आइसक्रीम हमने मनमोहक की ट्राई की है। जब भी सूरत जाते हैं तो यू नो आई एम वेरी मच फूडी, तो कहीं ना कहीं उनका स्टॉल दिख जाता है एंड आई हैव ट्राइड द आइसक्रीम एंड इट्स रियली फैबुलस, ईच वन शुड ट्राई इट। थैंक यू। आई थिंक निखिल इज नॉट विथ अस। योगेश जी आप हमें बताएं कि आपके प्रोडक्ट्स जो है पोर्टफोलियो, वो प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो में आपके पास व्हाट वैरायटीज यू हैव इन योर प्रोडक्ट्स, कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, क्या क्या वेरिएंट्स है, कितने फ्लेवर्स, आप डिटेल्स में हमें सब प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। हिमाचल भाई आइस हलवे में हम लोग अभी तो कम से कम 20 से 25 वैरायटी अलग अलग बना रहे हैं। और उसमें भी अगर कोई कस्टमर बोलता है, क्लाइंट बोलता है कि मेरे को ये फ्लेवर चाहिए तो वो भी हम लोग बना के देते हैं। ओके 20 से 25 फ्लेवर्स है, ये कौन कौन सी फ्लेवर्स है? 20-25 माने इतनी सारी फ्लेवर्स फॉर आइस हलवा आई डोंट थिंक एनीवन माइट हैव हर्ड अबाउट दिस। लोग तो ये समझते हैं कि एक व्हाइट कलर का आता है हलवा, एक जो होता है येलो जो केसर का आता है, बाकी जो 18-20 फ्लेवर्स है वो कौन कौन से? जैसे कि आपने तो बता ही दिए, उसमें आगे है सैंडविच हलवा, सैंडविच माही हलवा, अंजीर माही हलवा, पाइनएप्पल माही हलवा, मैंगो माही हलवा, ब्लैक करंट हलवा, पिस्ता हलवा, गोल्डन केसर हलवा, यहाँ तक मैंने तज का भी हलवा बनाया हुआ। ओहो वो मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है अमेरिका में। ओके और ये जो आप ये हलवा के बारे में कुछ दर्शकों को कुछ इतिहास बताने वाले है या बताएंगे तो अच्छा रहेगा कि कैसे ये आप भी बार बार जो माहिम बोलते तो व्हाई दिस माहिम, ये नाम कैसे आया, ये थोड़ा बताएंगे? एक्चुअली जरूर हिमाचल भाई, गुजरात के लिए सीरियसली बहुत प्राउड मोमेंट है, ये प्राउड चीज है क्योंकि माहिम हलवा ये बनाने वाले 70-80 में इन्वेंट किया था जामनगर से, जो कि भुट्टा काका थे, इनका अभी भी माहिम में शौक है। अच्छा और उन्होंने 1780 में उन्होंने वहाँ पे हलवा इन्वेंट किया और उन्होंने वहाँ हलवा बना के सबसे पहले गुजरात में सेलिंग चालू किया। ओके रियल उसका नेम है माहिम हलवा, वहां से यहाँ पर अहमदाबाद में गुजरात में जहाँ जहाँ गया तो उसका नाम पड़ गया मुंबई हलवा, किसी ने बोला सूखा हलवा, किसी ने बोला पापड़ी हलवा, इस तरह से उसके अलग अलग नाम होते हैं। आगे भी आपसे बातें शुरू रखेंगे आपके हलवा के लिए। और मुकेश जी आपसे भी सवाल है कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट है, कौन कौन से वेरियंट्स है, कैसे आप बता सकते हैं कुछ हमें आइसक्रीम के बारे में? आइसक्रीम के मोस्ट ऑफली सभी फ्लेवर मेरे पास है, 40 फ्लेवर है आइसक्रीम के। फोर्टी फ्लेवर और उस 40 फ्लेवर के अलावा हमारे पास संडे के सभी रेंज है और पार्टी पैक छोटे से साइज से लेके 100 ml से लेके 5 लीटर 20 लीटर तक की हमारी पैकिंग सिस्टम है। हमारे पास कोन की सब वैरायटी है,
कैंडी के रिम्पल की सब वैरायटी है, आइसक्रीम की टोटल ऑल फ्लेवर, बहुत सी फ्लेवर तो हमने डेवलप करी है जो सूरत में फर्स्ट बार हमने, मतलब जो आज पूरी गुजरात में सब आइसक्रीम वाले चला रहे हैं, जैसे विंटर क्रीम हो गया, ये विंटर क्रीम का फ्लेवर आज भी मनमोह की एक ब्रांड है कि भाई मनमोह का ब्रांड विंटर क्रीम फ्लेवर आना अलग, मनमोह का अलग ही आएगा, बहुत बढ़िया। अमेरिकन ड्राई फ्रूट है, बहुत सी ऐसी फ्लेवर है जो साई गुलाब, जो आप, गुलाब मस्ती के जो आइटम है, गोल्डन वाइट है, जो अलग अलग फ्लेवर में अलग अलग हमने हमारी कंपनी में उसको डेवलप करके जो आज बाजार में सब बना रहे हैं। अच्छा, तो शुरुआत ही आप, आपने ही ये पायोनियर आप है ऐसा, आप काफी फ्लेवर्स आपने खुद ने डेवलप किए और आज पूरे गुजरात उसका लाभ ले रहा है। गुड गुड, लाभ ले रहा है। अच्छा, और ये जो कैंडीज है उसमें कौन कौन से प्रकार है, किस टाइप की कुल्फी कैंडीज आप बनाते हैं? हम मावा कुल्फी बनाते हैं, पंजाबी कुल्फी बनाते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं ये कोन के सभी फ्लेवर, बटर स्कॉच के टाइप से लेके ये लेके चॉकलेट, ओके, ये अलग अलग सभी फ्लेवर के कोन हम बनाते हैं, ऐसे लीटर के टब बनाते हैं, लीटर आधा लीटर के फ्लेवर पैक बनाते हैं इस तरह के, ओके। क्षमा कीजिएगा, ये 100 ml कप से, 100 ml से कप से लेके बड़े कप तक के स्कूप के हम सब बनाते हैं। हमारा ऐसे स्कूपिंग आइसक्रीम का एकदम, मतलब जैसे मिठाई का पार्लर होता है ना, इस तरह हमारा पूरा आइसक्रीम का पार्लर, कस्टमर आएगा ये फ्लेवर चाहिए उसी के सामने हम पैक करके देते हैं, एकदम फ्रेश और वो रहता है, कस्टमर को दिखता है। ओके, हर पार्लर पे कस्टमर उसकी चॉइस से ले सकता है, और तकनीकी के साथ आज की आधुनिकता में जैसे जो जो चीज चाहिए वो हर पार्लर पे हम उपलब्ध कराते हैं, जैसे अभी तवा आइसक्रीम, इंस्टेंट आइसक्रीम बना के देना, वो सब चीज भी हमारे पार्लर पर उपलब्ध है। ये जो तवा आइसक्रीम है वो बहुत ही मजेदार जो है, उसमें लाइव आइसक्रीम आपको होता है। उसकी भी बात करूं तो तवा आइसक्रीम का हमने खाद्य खुराक में जब पहली बार मशीन लॉन्च हुई थी और वही उठा के हम लाए थे। क्या बात। So, आप सोच सकते हैं कि जब फर्स्ट टाइम लॉन्च, खाद्य खुराक में 2003 से लेके आज दिन तक भी एक भी हमने उसका मिस नहीं किया, और इसीलिए जाते हैं कि क्या नया आया, क्या पार्लर है उसमें, क्या नवी क्या चीज आ रही है, तो वो चीज हम अप्लाई करते हैं और उसको हर पार्लर पे हम लेके आते हैं। निखिल, ये जो चीज है ना, ये बहुत ही अहमियत रखती है कि व्हाट द न्यू टेक्नोलॉजी इज यू नो लॉन्च, एज सून एज इट इज लॉन्च द एंटरप्रेन्योर्स जो उसमें प्रथम जो पायोनियर हो गया तो वही वो जीतता है। और मुकेश जी, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये यूज कर रहे हैं ये टेक्निक को, और जो भी मार्केट में कुछ भी नया है तो वो पटक से वो उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। उन्होंने काफी सारे स्टेप्स भी लिए हैं, आगे हम बात करेंगे द स्टेप्स फॉर दिस पोस्ट कोविड। और योगेश जी, आप बताइए, आपकी प्रोडक्ट्स है वो कौन से वेरिएंट्स में आती है, कैसे आती है? और मुकेश जी से वो 40 फ्लेवर्स फटाफट बुलवाना है। निखिल, आप मुकेश जी का वो 40 फ्लेवर कौन कौन से हैं? जी, मॉनसून आ गया है, बारिश आ गई है, हैप्पी मॉनसून, लेकिन अमेरिकन ड्राई फ्रूट, विंटर क्रीम, राजभोग, बादाम, कैडबरी, काजू द्राक्ष, चॉकलेट, मैंगो, सीताफल, हर फ्लेवर हमारे को मुंह पे ही है सर, केसर पिस्ता, बादाम पिस्ता, चॉकलेट। वाह वाह, नहीं नहीं, हम रेडी। सवाल आप फिर से बुलवाएंगे, वो कॉन्टेस्ट है, राइट? सो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, बट उससे पहले हम योगेश जी से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे हलवा के कितने प्रकार हैं, कौन से फ्लेवर्स हैं और उनकी खासियत क्या है। सर प्लीज बताइए। हलवा के मेरे पास कम से कम अभी रेगुलर जो चलते हैं 10 तरह के हम लोग हलवा बना रहे हैं, आइस हलवा में 10 तरह के हम लोग हलवा बना रहे हैं आइस हलवा में। बाकी हम लोग इतना बोल सकते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फ्लेवर बोलो, हम लोग आइस हलवा में बना के देंगे। आप बोल दो क्या, मैंने अभी हिमाचल व्यू को बताया, मैंने तज का हलवा भी बनाया हुआ है। किस चीज का हलवा?
तज तज जो गरम मसाला था अपना, तज। अच्छा वो मुझे नहीं आइडिया है इतना, बट तो अभी अभी काढ़ा का इम्यूनिटी बूस्टर अभी कुछ करना चाहिए, काढ़ा का हलवा बनाओ स्वीट के अंदर जी। और अभी हम लोग पैकिंग में भी हमारा हलवा 2 साल से हम लोग बेच रहे हैं। ओके, जिससे ये हमारा खुद का ब्रांच हम लोग चालू किया, हम लोगों ने ये 250 ग्राम पैकिंग है, ये हमारी प्रीमियम प्रोडक्ट है, इसके अंदर नो एडिटिव, नो अपने कलर है, नो एसेंस है, प्योर नेचुरल एकदम चीज है। इसका जो कलर है वो भी केसर सिरप का, प्योर केसर सिरप का कलर आता है। ग्रेट, वंडरफुल, लुक्स वेरी डिलीशियस। इसके अलावा हम लोग कराची हलवा भी बनाते हैं। ओके, निखिल जी आपने देख, वो अपने सिंगम जैसा थोड़ा स्टिकी रहता है, चौरस पीस में स्क्वायर पीस में रहता है वो, और वो बेसिकली वो पाकिस्तान का कराची से बना हुआ हलवा, उसके लिए उसका नाम कराची हलवा। वो भी एक स्पेशलिटी है, एक काइंड ऑफ टेस्ट है जो लोग शायद टेस्ट करना जरूर चाहेंगे। यस, कि हलवा में अभी हम लोग ओवरऑल हलवा भी है, सोन पापड़ी भी है मेरे पास, तो सोन पापड़ी में भी हम लोगों ने हमारी एक स्वीट रिच करके ब्रांड लॉन्च की है। ओके, सोन पापड़ी, चार महीने तक इसको कुछ नहीं होता है, और एकदम रिच फ्लेवर है, हम लोग बाजार में जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, घी है, जो भी रॉ मटेरियल्स है, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के ही रहते हैं। 19-20 तो ठीक, उसको हम लोग 19 भी नहीं रखते, 20 ही लेते हैं। क्या बात है निखिल, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर व्यूइंग दिस, के जो रॉ मटेरियल अगर बढ़िया है तो ही तो एंड प्रोडक्ट बढ़िया रहेगी। और ये जो लोग इस पर एम्फेसाइज करते, जो लोग इस पर ध्यान देते, काम करते, कहीं ना कहीं उनको आगे ब्रांड बिल्डअप करने में बहुत ही काफी मदद मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, यस, बहुत सही कहा आपने सर। और रॉ मटेरियल शुरुआत से ही अगर ठीक प्रोसेस रहता है तो ही फाइनल प्रोडक्ट उतना ही अच्छा बनता है। सो आप 19-20 का भी 19 नहीं करते हैं, 20 करते हैं, और आई होप ये चीज सुनकर जो भी 19 कर रहे होंगे वो ना करें और 20 ही करें और परफेक्ट अपनी प्रोडक्ट्स बनाए। बिकॉज अब लोकल से ग्लोबल जाने का एक ही तरीका है, आप परफेक्ट और बेस्ट क्वालिटी विथ बेस्ट टेस्ट प्रोडक्ट्स बनाए, सो दैट आपकी जो लोकल कंपनी है वो ग्लोबल तक पहुंचे। एम आई राइट हिमाचल जी? ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, देयर शुड नॉट बी एनी यू नो, उसमें कुछ गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए क्वालिटी में। एंड आप वो बोल सकना चाहिए कि द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विच वी डिलीवर इज गोइंग टू बी परफेक्ट 100%, इट्स गोइंग टू बी, या यस। ओके, सॉरी इंटरप्ट यू निखिल जी। ओके सॉरी इंटरप्ट, यस यस प्लीज। हां निखिल, अगर कोई प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, अगर हम लोग वो हम नहीं खा सकते, हमारे बच्चे नहीं खा सकते, लोगों को खिलाने का भी हक नहीं है फिर। लोगों को खिलाने का नहीं, ये बहुत ही नेक विचार है, और इसी विचार से अगर सभी लोग काम करेंगे, सब हेल्दी भी रहेंगे और सब यूनाइटेड भी रहेंगे, और भरोसा बढ़ता ही जाएगा, यू नो। तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, आपने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, हलवा की चर्चा में हम एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे, उसका इतिहास, आइस हलवा का इतिहास क्या है, वो आप अगर हमें और दर्शकों को बता सके, क्योंकि हमें भी नहीं पता। सो प्लीज टेल अस। मैंने अभी हिमाचल भाई को बताया, जैसे 1780 में माहिम में, मुंबई में माहिम एक एरिया है, उसके अंदर हमारे जामनगर की फैमिली थी, उन्होंने इसका इन्वेंट किया था, उसका नाम रखा था उस टाइम उन्होंने माहिम हलवा। ओके, उन्होंने सबसे, और गुजराती सबसे पहले गुजरात में ही चीज बेचते। ओके, तो उन्होंने सबसे पहले वहां इन्वेंट करके उन्होंने गुजरात में पूरा हलवा यहाँ पे बेचा, और वहां से उसका माहिम हलवे का नाम फिर चेंज हुआ, मुंबई हलवा, आइस हलवा, सूखा हलवा, इस तरह से अलग अलग बोलने लगे। और माहिम हलवा की आज की आखिरी तारीख में खासियत है कि वो पूरा ट्रेडिशनल स्वीट्स है और ट्रेडिशनल तरीके से ही बनता है। उसके लिए अभी मशीनरी लोग जो भी इस्तेमाल करते हैं, करते होंगे शायद, लेकिन उसमें उसकी वैलिडिटी कम हो जाती है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग माहिम हलवा में कम से कम 1.5 महीने की वैलिडिटी देते हैं। डेढ़ महीने की वैलिडिटी आप
जल्दी देते हैं, तो दैट 8 महीने तक कुछ नहीं होगा। अगर किसी को गिफ्ट भेजना है कहीं बाहर भेजना है, तो दे कैन हैव इजी टाइम। ओके राइट, सो कमिंग बैक टू द टेक्नोलॉजिकल पार्ट, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें आज के टाइम में, तो मनमोहक आइसक्रीम से हम जानना चाहेंगे कि पहले टेक्नोलॉजी में कितना एम्फसाइज करते थे, और अब के टाइम में, अब के दौर में कितना, क्या क्या नया टेक्नोलॉजी वो लेकर आए हैं या लेकर आना चाहते हैं, और टेक्नोलॉजी का कितना यूज इम्पोर्टेंस है, वो आप प्लीज बताइए मुकेश। टेक्नोलॉजी पहले जो हाथ का संचय से जो आइसक्रीम बनती थी, आज के संचय से उसे मोटर बेज में आया, मोटर बेज से फिर चर्नर पर आया, आज कंटिन्यूस फ्रीजर पर आ गए, और कंटिन्यूस फ्रीजर में आज की तारीख में एक घंटे में 800 लीटर आइसक्रीम की मशीनरी, 1600 लीटर की मशीनरी, जिसको जिस तरह की जरूरत है उतनी बड़ी हो गई। आज एक घंटे में 10,000 कोन एक साथ बन सकते हैं, इतनी बड़ी मशीनरी आइसक्रीम की अंदर आ चुकी है। तो टेक्नोलॉजी जिस तरह टाइम के साथ साथ आप अपग्रेड होते जाओ, तो वो बहुत ज़रूरी, और वो वही चीज़ खाद्य खुराक में हमको देखने को मिलती है। इसलिए खाद्य खुराक की हम हर बार एग्जीबिशन का हम लेते हैं कि भाई आज इस बार हम नई टेक्नोलॉजी क्या आई है। आइसक्रीम टेक्नोलॉजी के साथ हम मटेरियल का पूरा ध्यान रखते हैं। आज हमारा आइसक्रीम 14 से 15 फेट, जबकि गवर्नमेंट का रूल से कि 10 के ऊपर फेट को आइसक्रीम की मान्यता है, 10 से नीचे है उसको फ्रोजन डेजर्ट बोलते हैं। फिर भी आज हमारा आइसक्रीम 14-15 फेट का आइसक्रीम और एकदम पौष्टिक, जो आज आप बोल रहे हो ना कोविड के लिए, आप तो आइसक्रीम ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी और ये सब चीज, एक आइसक्रीम खा लो तो आपकी ऑलरेडी बढ़ती है। अगर आपने इम्यूनिटी की बात की, अगर आइसक्रीम खाए थे, आपने ये कहा कि सेहत में क्या-क्या इम्प्रूव हो सकता है, क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, कौन-सी आइसक्रीम से क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, जैसे चॉकलेट का अपना बेनिफिट है और अलग-अलग फ्लेवर्स का अपना बेनिफिट है, तो हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो आइसक्रीम से और अलग-अलग फ्लेवर से क्या हेल्थ बेनिफिट्स लोगों को हो सकते हैं? आइसक्रीम एक तो प्योर दूध क्रीम है, तो वो पूरा प्रोटीन और वो सब चीज से भरा हुआ है। उसमें इनग्रीडिएंट में ड्राई फ्रूट है, पिस्ता है, केसर है, ये सब चीजें आपके शरीर की, आपकी अंदर की पूरी अलग ही इम्यूनिटी डेवलप करता है। और उसके साथ आपको जो आइसक्रीम खाने से जो मानसिक शांति और जो खुशी मिलती है, वो चीज एक अलग ही आपको वो देती है। बिल्कुल बिल्कुल। आई वुड लाइक टू ऐड के जो आइसक्रीम है वो ना सिर्फ खुशियां देता है, बट इट्स अ वेरी मच यू नो स्ट्रेस को ये रिलीव करता है। जैसे ही आप कोई भी इवन एनी ऑफ द डेजर्ट, इसीलिए तो डेजर्ट को लास्ट में हम रखते हैं, और कहीं ना कहीं ये, और कभी भी जब खुशी का मौका होता है तो हम लोग यही सब चीजें खाते, बिकॉज यू नो स्ट्रेस लेवल हमारी हिमाचल भाई हमारी टैगलाइन है मैजिकल मोमेंट। क्या बात है, सो दैट मैजिकल मतलब आपके मोमेंट को एग्जैक्टली एक यादगार बनाने के चक, आपके प्रसंग को, आपकी खुशियां को एक यादगार बनाने के लिए हम मनमोहक आइसक्रीम का सजेशन करते हैं। यस यस ऑफ कोर्स। तो निखिल, यहां पर एक बात और भी हमें रिपीट करनी चाहिए कि वो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी कहा है कि आइसक्रीम से कोई भी संक्रमित नहीं हो सकता है, और आइसक्रीम के द्वारा कोरोना है वो नहीं होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं मुकेश जी आप कुछ कहेंगे, उन्होंने तो गाइडलाइन दे ही दी है। आइसक्रीम WHO, ISI, IFSI और सभी की और गुजरात सरकार की गाइडलाइन भी बाहर आई है कि भाई आइसक्रीम खाने से आपको या कोई भी खाद्य पदार्थ खाने से आपको कभी कोरोना नहीं होता। कोरोना सिर्फ आपकी सर्दी खांसी या उसके संक्रमण से ही फैलता है, खाने पीने से। लोगों में जो ये हुमर चला था जो अभी इसके भाई आइसक्रीम खाने से या कुछ ठंडा पीने से होता है, तो वो पूरी यूनिसेफ की और
आईएफएसआई की अपन ने गाइडलाइन के तुरंत पूरा मांग लिया था और उससे बिल्कुल कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं आया कि भाई ये चीज खाने से आपको कोई कोरोना का संक्रमण हो सकता है। एग्जैक्टली आइसक्रीम खाने से सिर्फ खुशियां फैलती है और सिर्फ खुशियां ही फैलती है। आइसक्रीम का नाम सुनने से ही खुशी आ जाती है तो फिर खाने से तो बढ़ेगी। और निखिल भाई और हिमाचल भाई, हमने पूरे कोरोना काल में लॉकडाउन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोगों से इतनी डिमांड थी, हमने आइसक्रीम बेचा है, आइसक्रीम लोगों ने हमारा मांग के खाया। गुड गुड, बस यही सिलसिला आगे चलता रहे। जी जी, और बेस्ट विशेस है कि ऐसे ही बढ़ता रहे और लोग मनमोहक होते रहे और मैजिकल मोमेंट्स क्रिएट होते रहे उनकी लाइफ में और आपकी आइसक्रीम वो खाते रहे। मैं अपनी जर्नी के बारे में एक थोड़ा सा डिफरेंस कर दूं। 2012 से लेके 2015 के बीच चार बार गुजरात मित्र, जो सूरत का लीडिंग अखबार है, उसने हमें सूरत सितारा का अवार्ड दिए हैं। ग्रेट ग्रेट, और यहाँ का जो रेड एफएम है जिसका कस्टमर सर्टिफिकेशन का भी अवार्ड हमको रेड एफएम के द्वारा मिला हुआ है, जो ड्यू पॉइंट जो स्टेबिलाईजर बनाती है, जो कंपनी जो पूरी इंडिया में आइसक्रीम इवेंट करती है बेस्ट आइसक्रीम का, उसने भी हमें मनमोहक आइसक्रीम को बेस्ट आइसक्रीम का अवार्ड दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट ग्रेट, आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं और ये अवार्ड्स मिलते रहे और इसीलिए आज हमारे साथ आप जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ इस माध्यम से जितने भी लोग जुड़ते हैं उन्होंने अपनी जर्नी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और बहुत सारी खिताब जीते हैं और वही खिताब और वही एक्सपीरियंसेस लोगों तक पहुँचे, यही खाद्य खुराक का हमारा ये जो है तात्पर्य रहता है और पर्पज रहता है। तो थैंक यू, आप जुड़े हैं, हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है दैट यू आर हियर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आइस हलवा। तो आइस हलवा की जो पैकिंग है प्रोडक्ट्स की, जो अलग अलग टेक्नोलॉजिकल आप यूज कर रहे हैं, उसमें पहले और अब में कितना डिफरेंस है और क्या क्या डिफरेंस आपको लगता है और आना चाहिए बिकॉज ऑफ द टाइम्स दैट वी आर फेसिंग? जी, पहले ऐसा था, आइस हलवा था वो पेपर पैकिंग में 5-5 किलो के बंच में लोग अपने स्वीट्स की शॉप पे देते, वो लोग उनके हिसाब से मिक्स मिठाई में एक आइस हलवा का टुकड़ा रखते थे उसके अंदर सिर्फ वजन बढ़ाने के लिए। हम लोगों ने अभी उसको एक 250 ग्राम पैकिंग में प्रीमियम पैकिंग में लेके आए, इस तरह से 500 ग्राम पैकिंग है, इस तरह से लेके आए कि लोग सिर्फ आइस हलवा 250 ग्राम 500 ग्राम अलग से लेके खाए। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से बताऊं मैं, आज की तारीख में भी हमारी जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग आइस हलवे की पूरी ट्रेडिशनल है, हम लोग टेक्नोलॉजी के लिए आगे R&D कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण हमने देखा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा इसका वैलिडिटी कम होता है, 1.5 महीने से कम हो जाता है, 3-4 दिन में फिर खराब होता है। तो इसके लिए इसका जो बर्तन भी आता है, अभी आज की तारीख में जो हम लोग हलवा बना रहे हैं उसका बर्तन पूरा तांबे का आता है, उसके अंदर ही हम लोग हलवा बना रहे हैं। तो हम लोग उसका जो आगे जाके, मैंने खाद्य खुराक में 2-3 कंपनियां भी देखी, वहां पे भी हमारी बातें चल रही है कि हम लोग को इसके साथ में पूरा मशीन बना के, तो उसकी पूरी R&D चालू है और हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे जाएंगे और इसके हिसाब से शायद प्रोडक्शन में भी काफी आनंद आएगा, क्योंकि अभी लेबर बहुत कम मिल रहे हैं, अभी इस चीज के नए कारीगर है कि वो बाजार में है ही नहीं, किसी कोई है ही नहीं कारीगर, है तो उनके सैलरी बहुत अप है, वो देना भी अभी तकलीफ इतना दे नहीं सकते और डिमांड बहुत ज्यादा है। और आगे जाके हम लोग पैकिंग में और भी काफी वेरिएंट लेके आएंगे, इसके अंदर हलवा में है, सोन पापड़ी है, कराची हलवा है, बहुत सी प्रोडक्ट है हमारी अलग से, और जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि उसमें बहुत आगे लेके जा रहे हैं। श्योर, हम आपसे जानना चाहेंगे, यस, आपने जैसे कहा कि कुछ दिक्कत अभी हो रही है, लेबर की हो या फिर डिमांड पूरी करने की हो रही है, सो वो सारी दिक्कत हो रही है, बट वो थोड़े ही टाइम के लिए है, आई होप वो जल्दी ही आप उससे रिकवर हो जाएं और जल्द से जल्द डबल नहीं 10 times आप अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पाएं और दुनिया भर में भेज पाएं, ऐसी हमारी आशा है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं और रेसिपी हम अगर आप हमें बता पाएंगे कि हलवा बनाने का जो प्रोसेस है, अगर घर पे किसी को हलवा बनाने की कोशिश करनी है, जैसे मैं कभी कभी एक्सपेरिमेंट करता हूँ और मेरे घर पे भी मेरे सिस्टर्स हैं, मॉम हैं, दादी हैं, और
जैसे मेरे घर पे हैं ऐसे सभी के घर पे हैं जो कुछ ना कुछ नई नई चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हलवा बनाने की कोशिश में क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए वो हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। जी, हलवा इसका मेन इंग्रेडिएंट है मेज फ्लावर, मेज स्टार्च जो बोलते हैं, वो शुगर, क्लेरिफाइड बटर एंड लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स, इस सबका मिक्सिंग और उसको कंटिन्यूस उसको स्टरिंग करना पड़ता है, कंटिन्यूस को हिलाना पड़ता है 30 से 35 मिनट तक। उसके बाद में क्रीमी लिक्विड तैयार होगा, उसको वुडन प्लेट पे उसको एकदम पतला सा उसको ठंडा करना पड़ेगा और दूसरे दिन वो कटिंग होता है। घर पे बनाओगे तो घर पे तो तुरंत ही छोटा सा होगा गार्निश के लिए, तुरंत ही वो बन जाएगा, लेकिन हमारी प्रोसेस बताता हूँ उसके लिए। इस तरह से हम लोग पूरी प्रोसेस करते हैं, उसको वुडन प्लेट पे लेके फिर कट करते हैं, उसको दूसरे दिन सेपरेटेड पर पीस 6x6 का पीस होता है सेपरेटेड, बटर पेपर में उसको रख के फिर उसको पूरा पैकिंग होता है। ये मेरे बड़े भाई साहब है, हम लोग ये इस लाइन में 12 साल से है, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, बड़े भाई साहब दूसरी गोल्ड लाइन में से इस लाइन में आए, लेकिन उन्होंने ये पूरा सीखा है। उनको आज भी अगर कारीगर नहीं हो तो खुद भट्टी पे बैठ के वो हलवा बनाते। आप योगेश जी विशाल जी का बात कर रहे हैं, राइट? विशाल जी के बारे में आप बता रहे हैं। जी, उनका पूरा काम मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स का, और 4-5 हम लोग ने अलग अलग डिवाइड किए, वो काम को करते हैं। मार्केटिंग का काम मेरे पास है, एक्सपोर्ट का काम मेरे पास है, डीलर का काम मेरे पास है, ऐसे हम लोग डिसिप्लिन से अपना अपना काम बांटा हुआ है। तो वो मेरे काम में कभी नहीं आते, मैं उनके काम में कभी नहीं आता, इसलिए अच्छे से डिसिप्लिन से हमारा काम बहुत बढ़िया चलता है। वेरी गुड। ये बस ये दोनों की आपकी ऐसी ये जो जुगलबंदी है वो चलती रहे और लोगों को हलवा की मिठास मिलती रहे। जी जी बिल्कुल। ओके, कमिंग बैक टू द प्रोडक्ट्स एंड अवेलेबिलिटी, कहाँ अवेलेबल है आपकी मनमोहक आइसक्रीम और श्री हिंगलाज आइस हलवा, कौन से क्षेत्र में, कौन से स्टेट्स में, कौन सी सिटीज में अवेलेबल है, वो आप अगर बताना चाहें तो प्लीज योगेश जी। जी, काठियावाड़ में, पूरे काठियावाड़ में 90% स्वीट्स की शॉप पे मेरा आइस हलवा आपको मिलेगा। हम लोग यहाँ से बड़ौदा से सूरत तक पूरा काम करते हैं और ओवरऑल गुजरात में, सूरत के आगे हम लोग नहीं जाते, लेकिन पूरा गुजरात हम लोग वहाँ, यहाँ से मेहसाणा से लेके जितने भी है, मेहसाणा से लेके पालनपुर का हमारा हलवा है, डीलर हमने रखे हुए, डीलर हमारा आगे माल पहुंचते हैं हमारा, शायद ही गुजरात की कोई सिटी बाकी होगी जहाँ मेरा हलवा ना बेचा। क्या बात। और राजस्थान में हम लोग 4-5 सिटी में माल दे रहे हैं, कर्नाटक जा रहा है माल हमारा अभी, एक्सपोर्ट में हमारे पास अमेरिका है, दुबई है, ऑस्ट्रेलिया है और लंदन है। क्या बात है। सो सिर्फ लोकली आप नहीं बेच रहे हैं बल्कि जितने इंडियंस बाहर की कंट्रीज में हैं वो भी आपकी प्रोडक्ट को वहां पे एंजॉय कर पा रहे हैं। सो बहुत बहुत अच्छी बात है ये फॉर ऑल द पीपल हु आर लिविंग अब्रॉड एज वेल। ओके, नाउ कमिंग बैक टू मनमोहक आइसक्रीम्स, हम जानना चाहेंगे मुकेश जी से कि कौन सी सिटीज में, कौन सी क्षेत्र में इनके आइसक्रीम पार्लर हैं या फिर आइसक्रीम प्रोडक्ट। सूरत के सभी एरिया में हमारा एक एक पार्लर अलग एरिया में है, और सूरत के बाहर अब हमारा एक नवसारी में था, एक अंकलेश्वर और बाडोली सोनगढ़। मुकेश जी आप ही आप। इसके अलावा अभी हम कोविड के पहले पांच पार्लर मेरे काम अटका हुआ है, जो बड़ौदा अहमदाबाद की हमारी जो आगे की जर्नी थी वो अभी कोविड के कारण पर अभी 5-7 दिन में हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अलावा हम राजस्थान और मुंबई में हमारी कस्टमर की बहुत डिमांड है। ऑलरेडी पहले 3 पार्लर हमने मुंबई में चालू किए थे पर कुछ रेंट वेंट की वजह से हमने उसको बंद करा है, तो वापिस वहाँ से इतनी रिक्वायर्ड है और कस्टमर की इतनी रिक्वायर्ड है, तो हमको वहाँ एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर को देख के हमको वहाँ चालू करने का प्लान है हमारा पूरा।
तो अगर किसी को फ्रेंचाइजी लेना हो श्री हिंगराज आइस हलवा का और श्री मनमोहक आइसक्रीम का, तो क्या प्रोसेस है, कौन सी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, जगह है, सिटी है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर आपको फ्रेंचाइजी देनी है? सो फॉर मनमोहक आइसक्रीम्स हम जानना चाहेंगे कि कौन सी मनमोहक आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी के लिए बहुत सिंपल है। सबसे बेस्ट पहला काम है अच्छा लोकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट निखिल। लोकेशन है वो ये पार्लर के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। आज हमारे सूरत के जितने भी पार्लर है एक साइन बने हुए हैं कि भाई जहाँ पर भी आप किसी भी एरिया में लोग एड्रेस के तौर पे उसको यूज करते हैं कि भाई मनमोहक आइसक्रीम के आगे, मनमोहक आइसक्रीम के पीछे, मनमोहक आइसक्रीम के सामने। तो हम यही चाहते हैं कि भाई जहाँ भी हो पार्लर उसी तरह का हो, क्वांटिटी ना हो पर जो भी हो वो क्वालिटी भेजो। इट्स अ लैंडमार्क। तो हाँ, लैंडमार्क। तो इसी तरह हमारा आगे की सिटी में भी प्लान यही है कि जो भी पार्लर खुले वो एक लैंडमार्क बने। एक हर सिटी में भले दो पार्लर हो पर दोनों एकदम बेस्ट हो, लोग वहाँ मोनोपोली से खाने आए। गुड, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जो फ्रेंचाइजी आपके मनमोहक आइसक्रीम की लेने वाले हैं उनको क्या क्या फायदे हो सकते हैं? हमारी फ्रेंचाइजी लेने में ज्यादा वो भी नहीं है, एक जगह अच्छी हो रही है, खुद की जगह हो तो ठीक है, ना हो तो 3 साल का हम उससे रेंट एग्रीमेंट करवाते हैं जिससे वो दुकान ले रहा है वो हम रिक्वायर्ड रखते हैं, और 10 से 12 लाख रुपए के बीच का इन्वेस्टमेंट है। ओह ग्रेट। जिसका हमारा मॉडल बना हुआ है, फर्नीचर का मॉडल, बोर्ड का मॉडल, सब चीज हमारी बनी हुई है, और हम गारंटी से उसको 1.5 या 2 साल में वो पैसा वापस निकालने की गारंटी भी देते हैं कि आपका पैसा निकल जाए। निखिल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टार्टअप्स। जो भी लोग स्टार्टअप्स में आना चाहते हैं, जिन लोगों को कुछ नया बिजनेस देख रहे हैं, क्योंकि आफ्टर दिस कोविड एवरीवन वांट्स टू यू नो आइदर दे वांट टू चेंज देयर बिजनेस और दे आर कमिंग इन द न्यू बिजनेस, तो ये सब लोगों के लिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि अगर उनको कुछ फ्रेंचाइजी लेना हो। काफी लोग ये ढूंढते रहते हैं कि भाई हमें कुछ नया करना है, कुछ दे वॉन्ट सम गुड ब्रांड, तो अगर ब्रांड उनको चाहिए तो कहीं ना कहीं 10 से 12 लाख का इन्वेस्टमेंट प्लस ये 3 साल का रेंट एग्रीमेंट में ये फ्रेंचाइजी मिल सकते, तो आई थिंक दैट्स अ गुड ऑप्शन फॉर द न्यू स्टार्टअप्स। वेरी गुड ऑप्शन इन फैक्ट। सो इसमें वैसे जनरली फ्रेंचाइजी में होता है कि इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, ये सिटी मेगा सिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई भी टाउन में भी मनमोहक आइसक्रीम का फ्रेंचाइजी आप दे सकते हैं, जैसे कि कच्छ में हो गया, गांधीधाम में हो गया, या फिर छोटे टाउन हो गए गुजरात के, मुंबई के? आई थिंक ही हैज नॉट हर्ड यू, आई रिपीट, यू मे कंटिन्यू विद। या सो कमिंग टू, हेलो हिंगराज आइस हलवा। यस सर, सर आपकी आवाज हमें आ रही है। एक नगर पालिका लेवल तक का जो कोई अगर सिटी है तो उसमें हम करने को सोच सकते हैं, लाइक अभी हमने जो बाडोली किया, बाडोली के आगे सोनगढ़ किया, यहाँ नवसारी है, नवसारी के आगे चीखली है, तो हमारा प्लान ऐसा है कि भाई 50,000 की पॉपुलेशन हो तो हम उसमें अपनी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। ग्रेट, ओके। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आपको फ्रेंचाइजी लेनी है मनमोहक को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, काफी अच्छा आप ग्रो कर सकते हैं उनके साथ, राइट? सो कमिंग बैक टू श्री हिंगराज आइस हलवा, आप सोच रहे हैं फ्रेंचाइजी देने का किसी को? जी सर, हम लोग डीलरशिप देते हैं, जैसे कि उसके लिए हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं कि वो एक्सपीरियंस कितना पुराना है, उसका हो होलसेल का बिजनेस कितना, मार्केट इज कितना उसके पास, और उसके लिए उसको कोई हमारे को कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई फ्रेंचाइजी के लिए डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनकी विजिट एक हमारे और एक हमारी विजिट उनके वहाँ, बस उतना ही जरूरी है। वेरी इजी, बट मेहनत लगती है, और मेहनत जो करेगा, माने इट्स अ टफ जॉब, जो काबिल है मेहनत करने के लायक है उन्हीं को ये चीज भी। होलसेल में हिमाचल में हमारा एक छोटा सा मोटो है होलसेल में के माल हमारा नाम तुम्हारा। क्या बात, वाह वाह, तो खुद की ब्रांड से भी बेच सकते हैं। हाँ, खुद की ब्रांड से भी बेच सकते हैं।
ओके दैट्स गुड राइट दैट इज इनफैक्ट एडिशनल पॉइंट की क्वालिटी तो कोई बना के दे रहा है बट ब्रांडिंग कोई और कर सकता है राइट सो काफी सारी चीजें हमने जानी फ्रेंचाइजी के बारे में कि आप तो फ्रेंचाइजी में क्या क्या चीजें कैसे फ्रेंचाइजी कोई ले सकता है अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा जो ये टाइटल है वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल तो ग्लोबल आप पहुंच चुके हैं और जितने व्यूअर्स जुड़े हैं उनको अगर आप एक सलाह दे पाए शॉर्ट में स्वीट में कि ग्लोबल पहुंचने के लिए कोई एक या दो या तीन महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए वो कौन सी है एक फूड बिजनेस के लिए ग्लोबल पहुंचने के लिए सबसे पहले मेरे हिसाब से प्रोडक्ट में प्रॉपर दम होना चाहिए प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए कि उसको ग्लोबलाइज में भी उसको कहीं अटके नहीं कहा उसका ट्रांसपोर्टिंग बहुत ही इजी उसकी वैलिडिटी अच्छी होनी चाहिए ग्लोबल के लिए ज्यादा टाइम के लिए टिकने वाली चीज होनी चाहिए ग्लोबल के लिए वही चाहिए बाकी गुजरात की तो जितने भी प्रोडक्ट है जितने भी फूड प्रोडक्ट है वो तो ओवरऑल ग्लोबल है ही खमन से लेके ढोकला से लेके नमकीन से लेके ऐसी कोई कंट्री बाकी नहीं होगी जहां पर गुजराती प्रोडक्ट ना मिल रही हो वर्ल्ड फेमस से गुजरात वर्ल्ड फेमस 100% गुजराती सीरियल हो गुजराती मूवी हो क्या गुजराती पात्र हो गुजराती नाश्ता की बात ना खाए तो पते के वाह वाह That's great saying by him. गुजराती मूवीज में इंटरेस्ट है ये हमने जानी ने बहुत खुशी थी आपको गुजराती मूवीज में इंटरेस्ट है वो जानकर हमें बहुत हूँ अहिया जन्मेलो छू साहेब अहिया जन्मेलो छू मारू वर्क प्लेस है मारू वर्क प्लेस है अने मारू 80% गुजरात छे क्या बात है यस दैट वॉज अबाउट गुजरात बट इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी अपनी अपनी पहचान उन्होंने वर्षों से बनाई है और वी आर सो हैप्पी एंड प्राउड टू बी इंडियन क्योंकि यूनाइट ऐसे ही हो रहे हैं हर जगह से चाहे वो महाराष्ट्र हो एमपी हो या फिर कोई और स्टेट हो मनमोहक आइसक्रीम से जानना चाहेंगे कि लोकल से ग्लोबल जाने के लिए कोई तीन चीजें आप बताएं सबसे महत्वपूर्ण योगेश भाई ने जैसे बोला पहले तो सबसे बड़ी प्रोडक्ट में एक आपकी जान होनी चाहिए प्रोडक्ट लोगों को और उसकी सेल्फ लाइन जैसे हमारी आइसक्रीम की सेल्फ लाइन हम जो बनाते हैं उसकी 9 महीने तक हम आज जो आप खा रहे हो वे सेम की सेम 9 महीने बाद ही आपको वही टेस्ट मिलेगा क्योंकि हम प्योर क्रीम और दूध एकदम प्योर चीज उसमें यूज कर रहे हैं तो बहुत सी आइसक्रीम का क्या है कि बनने और 10 दिन के बाद उसका टेस्ट अलग आएगा लेकिन हमारी आइसक्रीम का आपका 9 महीने बाद भी वही टेस्ट है हम 9 महीने की सेल्फ लाइफ देते हैं और सबसे बढ़िया ये है कि ये एकदम अलग चीज अलग ही फील आएगा तो ग्लोबल प्रोडक्ट में दम होना चाहिए सर्विस में दम होना चाहिए क्वालिटी में दम होना चाहिए और जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात फूड में हर चीज में एक नंबर वन है आइसक्रीम का भी गुजरात अब है आज सबसे ज्यादा इंडिया में आइसक्रीम कहीं पर भी हो तो गुजरात में आइसक्रीम की कंपनियां सबसे ज्यादा बड़ी कंपनियां गुजरात में तो पूरी इंडिया का जो लैंडमार्क जो आप बोल सकते हो आइसक्रीम वो गुजरात ही और गुजरात की पब्लिक जो आइसक्रीम खाने में जो मतलब नंबर वन बोल सकते हो आप गुजरात की पब्लिक आइसक्रीम को समझने में भी नंबर वन और exactly. हम तो हर जगह जाते हैं हर जगह का आइसक्रीम खाते हैं मैंने विदेशों का हिमाचल भाई के साथ शायद मैं विदेश में भी 2-3 बार जाके आया हमने आइसक्रीम विदेश में भी खाया तो गुजरात में जितना अच्छा और सस्ता और बढ़िया आइसक्रीम है वो कहीं पर भी नहीं तो बहुत बड़ी बात गुजरात की आइटम को आपको ग्लोबल ले जाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है गुजरात की एक छोटा सा मैं इंसिडेंट बताऊं मैं जब मक्काउ गया था तो वहाँ एक हमको जो टैक्सी ड्राइवर था पाकिस्तान का तो वो बोले कहाँ से आया मैंने कहा हम गुजरात से तो कि मेरे को वो थेपला लाए कि नहीं लाए मतलब गुजरात की आइटम का कहीं पर भी आप मुझे थेपला दे के जाओ आप तो गुजरात की आइटम का वो मतलब ऐसा नाम है कि आइसक्रीम हो गुजरात की कोई भी फाफड़ा खाकरा हलवा आप कुछ भी मिठाई ट्रेडिशनल
गुजरात में फर्स्ट नंबर, इसलिए तो फूड सेफ्टी में आज पहली बार फर्स्ट गुजरात फर्स्ट नंबर है। गुड गुड, टेस्ट तो है ही, ग्लोबल पहुंच चुका है गुजरात और हमेशा ग्लोबल पहुंची है गुजरात की चीजें, और ना ही सिर्फ टेस्टी बट सेफ्टी में भी अव्वल नंबर आया है। बहुत खुशी की बात है, इसलिए हमने हमने दो तीन बार जरूर बताया हमारे दर्शकों को जो भी जुड़े हैं कि गुजरात को फर्स्ट नंबर का अवार्ड मिला है FSSAI के द्वारा, कि फूड सेफ्टी में उनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है पूरे देश में, पूरे भारत में। चलिए, हमने लोकल से ग्लोबल जाने की बात की हिमाचल जी, और काफी सारी चीजें बताई, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, आपकी सर्विसेज में दम होना चाहिए, और फिर आपको ग्लोबल जाने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंचाइजी के बारे में हमने बात की, किसी को अगर नया बिजनेस शुरू करना है, अगर तरक्की करनी है तो फ्रेंचाइजी भी अवेलेबल है, अगर और खास करके आइसक्रीम गुजरात में, गुजरात इज द आइसक्रीम हब, तो उसमें आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। और अब मैं जानना चाहूंगा, आइसक्रीम ऑर्डर्स अगर आप लेते हैं और आइस हलवा ऑर्डर्स अगर आप लेते हैं पार्टीज के लिए, गैदरिंग्स के लिए, तो वो ऑर्डर्स आप कैसे लेते हैं, और कौन से टाइप के पार्टी ऑर्डर्स में आप कौन सी चीजें ध्यान रखते हैं और क्या विशेषताएं हैं, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। तो जिनको अगर पार्टी ऑर्डर, मेरे घर पे पार्टी हो गई तो मुझे अगर ऑर्डर देना है तो कैसे हो सकता है, वो उसका प्रोसेस क्या है? यस, आइसक्रीम, हम आइसक्रीम की सभी शादी पार्टी का ऑर्डर यहाँ से महाराष्ट्र और पूरे गुजरात में कोई पर भी शेयर हो, ओके, हम यहाँ से भेजते हैं विद सर्विस के साथ। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में हमने पार्टी फंक्शन करा हुआ है, बोटाद के स्वामीनारायण मंदिर में हमने आइसक्रीम भेजा हुआ है, भावनगर गढ़ड़ा तक आइसक्रीम हम यहाँ से भेजते हैं। हमारे यहाँ के जो लोकल कस्टमर है, जो गांव में जाके शादी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यहाँ से उनको भी हमारे को मनमोह की आइसक्रीम ही खिलानी है। हम उनके लिए कहीं पर भी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक हम आइसक्रीम सप्लाई करते हैं। हमारे पास पूरी उसकी चेन बनी हुई है, हमारे पास पूरा रेफ्रिजरेशन वाहन है, गाड़ी है, पूरा सब कुछ उसके थ्रू हम एज इट इज वहाँ तक सप्लाई करते हैं। थोड़ा आउट सिटी के लिए हम थोड़ा ऑर्डर क्वांटिटी का मांगते हैं, बाकी सिटी में तो आप 50 आदमी का भी फंक्शन बोलो तो हम यहाँ करवाते हैं। राइट, सो छोटे से छोटा ऑर्डर भी आप पार्टी ऑर्डर लेते हैं अगर वो नजदीकी एरिया में है, और अगर थोड़ा दूर है तो थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए ऑफ कोर्स, नहीं तो सर हम छोटे से छोटे हम सर्विस बेच के मानते हैं, आप एक लीटर का ऑर्डर करो तो भी हम आपको वहाँ भेजते हैं आपके घर पे। वाह, क्या बात, बहुत और 1000 लीटर का करो तो भी करते हैं, 1 लीटर का भी, और 1 लीटर का कस्टमर ही कल 1000 लीटर का बनेगा, हम हमारी ये सोच है। What a noble thought, बहुत ही अच्छी बात की आपने। अब हम श्री हिंगलाज आइस हलवा से पूछना चाहेंगे कि क्या आप सोच रहे हैं पार्टी ऑर्डर्स में आप अपनी आइस हलवा का कुछ योगदान दे पाएं? जी सर, एक्चुअली आइस हलवा पार्टीज के लिए नहीं, लेकिन अगर किसी को गिफ्ट करना है शादी वगैरह में तो उसके लिए पॉसिबल है, लेकिन अगर पार्टीज में जैसे शादी वगैरह में है उसके लिए कराची हलवा है वो लाइव बन सकता है और लाइव वहाँ पर शादी वगैरह पे वो प्रेजेंट सर्व किया जा सकता है, तो उसके लिए हम लोग आगे सोच रहे हैं कि शादी वगैरह में जो भी अगर अपने को किसी को सर्व करना है तो कराची हलवा है, फिर हम लोग अभी शादी में वगैरह में बाइट्स आती है, मेवा बाइट्स आती है वो लोग सर्व करते हैं, वो देते हैं, मोतीचूर लड्डू है, फिर हमारा अभी बाउंटी पेंडा है जो चॉकलेट और टोपरा आता है उसका बना हुआ होता है, वो हम लोग बाउंटी पेंडा, जैसे बाउंटी बार आता है, बाउंटी बार आता है उसका आप लोगों ने किया हुआ है बाउंटी पेंडा, वो बाउंटी पेंडा अभी काफ़ी काफ़ी चल रहा है, लेकिन आइस हलवा सिर्फ गिफ्टिंग के लिए ठीक है। प्रोडक्ट कौन सी है ये सबसे अच्छी चलने वाली और सबसे फेमस, कि मतलब श्री हिंगलाज आइस हलवा का नाम लो तो ये प्रोडक्ट दिमाग गोल्डन केसर, गोल्डन केसर हलवा, गोल्डन केसर हलवा अपनी सबसे अच्छी प्रोडक्ट है। और अभी हम जैसे मेरा नाम योगेश मेवाड़ा है, लेकिन कोई हमको योगेश मेवाड़ा नाम से जानता नहीं, सब लोग हलवा वाला के नाम से ही जानते हैं, मेरे यहाँ तक मेरी सोसाइटी में, मेरे समाज में सब लोग बोले कि योगेश भाई कौन थे हलवा वाला, जितने भी मिठाई वाले हैं शायद हिमाचल वे भी मेरे को ऐसे ही बोलते कि योगेश भाई हलवा वाला। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रांड नेम वो चीज अच्छी भी लगती है कि हम लोग हमारे
हमारे नाम से नहीं, हमारे बिजनेस से जाने जाते हैं, नाम से नहीं और काम से जाने जाते हैं वो लोग। और वो ही एक ऐसी चीज होती है जो लोग समझ पाते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन काम किया है, तो वो काम करने के बाद नाम अपने आप बन जाता है। जी जी बिल्कुल। वो आपकी जर्नी रही है ऐसी कि काम करने के बाद नाम अपने आप बन गया है एंड उसी नाम से लोग आपको जानते हैं। हिमाचल जी, आपका फेवरेट हलवा आपने आज तक ट्राई किया हो या फिर कोई फेवरेट आइसक्रीम? मैं ये सोच रहा हूँ कि दोनों मीठी चीजें हैं, तो जी उससे पहले इस सवाल का आप जवाब दीजिए कि फेवरेट हलवा फ्लेवर कौन सा है? ड्राई फ्रूट हलवा। ड्राई फ्रूट हलवा, ओके। यस, और मैं तो आज मुझे ये एक विचार आया है अभी कि ये जो हलवा और आइसक्रीम का दोनों का भी मिश्रण हो सकता है, अगर एक वो जो हम लोग टॉपिंग्स में जो वो वेफर जो है ऊपर वो गार्निश करते हैं वेफर वगैरह से, वेफर रोल वेफर से जो आइसक्रीम वगैरह गार्निश करते हैं, तो हलवा से भी गार्निश कर सकते जी, तो हलवा से भी उसको गार्निश कर सकते है। और आप ये जो 6 इंच बाई 6 इंच का जो उनका ये हलवा रहता है, तो यू नो उसमें से आप वो काट करके उसको या हाफ इंच बाई 6 इंच का करके उसके ऊपर आप रखेंगे और उसके साथ में अगर टेस्ट करें खाए तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ मार्वेलस टेस्ट। यस योगेश जी, मैं ये सोच रहा था कि खाद्य खुराक से कोई कंपनी चाहे छोटी हो बड़ी हो, आप एग्जीबिशन में आए हैं तो आपकी जर्नी, आपकी स्टोरी, आपकी एक्सपीरियंस कैसा रहा है अगर आप दर्शकों को बता पाए, so please share the journey, the experience with Khadi Khurak exhibition. जी बिल्कुल। हिमाचल विज को मैं शायद मैं 2005 या 2007 में मिला था फर्स्ट टाइम, जब वो फर्स्ट टाइम मेरी छोटी सी दुकान थी उस टाइम, तो मेरे पास छोटी सी दुकान थी, हिमाचल आए थे और मैंने भी बुलाया था मेरे को ऐड देनी है, तो मैंने घर से मेरे अंकल वगैरह सब साथ में थे, जॉब करते थे, सब एक साथ ही थे वहां पर, तो उनसे झगड़ के मैंने ऐड दी थी उस टाइम, लड़ाई करके। उन्होंने मेरे को बोला था कि अभी ये सब फालतू खर्चा है, ये मत कर ऐसा वो ऐसा, मैंने उनको यही बोला था अगर इनका पेपर, उस टाइम में मेरे ख्याल से कुछ 2 से 3 हजार प्रिंट थी उनके पास, वहाँ इतने जनों के पास जाता है तो अगर 2000 लोगों को पता तो चलेगा कि अहमदाबाद में कोई आई सलवा बना रहा है, उसके अंदर से मेरे पास कम 100 कॉल तो आएंगे, 100 में से मेरे पास कम से कम 5 कस्टमर तो बनेंगे, तो मेरा तो पैसा ऐसे वसूल है। पर आज की तारीख में मेरे को एक बैकबोन की तरह काम किया है खाद्य खुराक, काफी काफी रिच है, उन्होंने काफी इनके जो एग्जीबिशन है, मैंने आज दिन तक एक भी एग्जीबिशन मिस नहीं किया है खाद्य खुराक का, और उसके अंदर ये पता चला मेरे को तो ठीक है, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जिनको शायद नॉलेज ही नहीं है कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। वो अभी भी मैं काठियावाड़ में काफी जगह जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि अभी वो खुद ही फाफड़ा बनाते हैं, खुद ही बेचते, लेकिन वो खाद्य खुराक के माध्यम से पता चला है कि वो अगर ग्लोबल होना चाहते तो एक बार खाद्य खुराक देखे, खाद्य खुराक जितने जाए उनके पास क्या क्या मशीनरी है, वो हो सकता है उनके पास काम, और वो आगे उनके व्यापार को काफी आगे ले जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने लाइव अभी जहाँ है उससे अपने अभी कितने पीछे है, वो खाद्य खुराक के एग्जीबिशन में पता चलता है कि अपने अभी कितने पीछे और अपने अपने क्या क्या अभी आगे प्रोग्रेस करना है। योगेश जी, ये बिल्कुल आपका प्यार ही था जो यू नो 2000 से जर्नी शुरू किया, 2005 में आप लोग सब साथ में जुड़ते गए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम खाद्य खुराक न्यूज जो है वो हाईएस्ट सर्कुलेटिंग मैगजीन है ऑल इंडिया में, 3 भाषाओं में प्रकाशित होता है, हिंदी, गुजराती एंड इंग्लिश, एंड नाउ अगेन वी आर कमिंग अप विद दिस खाद्य खुराक न्यूज चैनल ऑल्सो। सो जो भी किया है सब आपके प्यार की वजह से ये सब हम यहाँ तक पहुंचे हैं, एंड विल गो हैंड टू हैंड, राइट? जी जी 100%। हम आपको छोड़ेंगे नहीं और आप हमको छोड़ नहीं देंगे, बस हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हिमाचल जी कितने मॉडेस्ट हैं कि उनकी मेहनत का कहीं पे भी वो बोलते नहीं है कि मैंने इतनी मेहनत की, ये किया, क्योंकि उनको सीक्रेट रखना है, वो चीज है हमें नहीं बता। निखिल भाई, मैं एक बात ऐड करूं? यस प्लीज। हिमाचल भाई का आप अगर बोलो तो वो बिल्कुल हिमालयी है, जो अपने पूरी गुजरात की खाद्य इंडस्ट्री इनकी आभारी है। क्या बात है, 100%। क्योंकि मैं 2005 से मैंने एक भी एग्जीबिशन छोड़ा नहीं, 9 से तो हम पर्सनली एक दूसरे को जान रहे हैं, और
पिछले 3 साल से हमारे आइसक्रीम उद्योग को इन्होंने जो मदद की है, जो एक लेवल ले जाने का जो दिया है चांस, और पूरी इंडस्ट्री को एक सूत्र में बांधने, जो कभी एक सूत्र में नहीं बंधे, उसको एक सूत्र में बांधने का काम जो हिमाचल भाई ने किया, वो एक हिमालय की तरह हम उसको देखते हैं। और आज भी हम हिमाचल भाई को, मतलब आइसक्रीम, आप खाद्य खोरा का बोल रहे हैं, हम तो आइसक्रीम का ही उनको उपनाम देते हैं कि ये हमारे निखिल जी, आप तीनों ने मिलकर के मुझे रुलाने का प्लान नहीं किया ना? नहीं, मैं सभी दर्शकों, जितने दर्शक जुड़े हैं, उन सभी को बताना चाहूंगा, ये ओवरनाइट नहीं होता है, और इतना डिफिकल्ट काम करना बहुत इम्पॉसिबल लगता है लोगों को, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का काम खाद्य खुराक ने किया है, श्री हिमाचल मेहता जी ने किया है, और उनके फादर श्री प्रकाश मेहता जी ने किया है, सालों से वर्षों से करते आए हैं। तो थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन इन द फूड इंडस्ट्री। एंड नाउ मुकेश जी से मैं पूछना चाहूँगा, अभी आपने बताया हिमाचल जी को आप कुछ आइसक्रीम का नाम देंगे, तो हिमाचल जी को कौन सी आइसक्रीम का फ्लेवर आप देना चाहते हैं, आपकी फेवरेट कौन सी है बताइए। हिमाचल जी ऐसे है आधुनिक, पर वो आइटम पूरी पुरानी खाते हैं, उनको केसर पिस्ता ही बहुत पसंद है, और मुझे पता है कि उनको केसर पिस्ता की केसर की आइटम बहुत अच्छी लगती, और हम जो प्योर केसर की आइटम बनाते हैं उनको बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। मैं राइट बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, सही बात है सर, सही बात। ओके, एंड आइस हलवा से कौन सा हलवा हिमाचल पे? हमारे लिए तो ऑलवेज गोल्डन केसर हलवा है, जो बिल्कुल एकदम टॉपिंग फूड इंडस्ट्री पूरा हमारा हलवा है, उसके अंदर केसर की तरह लगे हुए हमारे हिमाचल भाई है। थैंक यू। निखिल जी, और हमें मुकेश भाई से वो जो सीक्वेंस में वो बोलेंगे बहुत फटाफट, वो बाकी है, उनसे वो तो करवाना पड़ेगा। जी तो जी, अब हम जो देखने जा रहे हैं वो बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है। हम मुकेश जी से पूछने वाले हैं और उनको कहने वाले हैं कि उनके आइसक्रीम के फ्लेवर वो जल्द से जल्द हमें जितनी जल्दी जितनी स्पीड से बता पाएं। प्लीज स्टार्ट, 3, 2, 1 एंड ओवर टू यू। अमेरिकन ड्राई फ्रूट, राजभोग, बादाम कैडबरी, विंटर क्रीम, चॉकलेट, मैंगो, केसर पिस्ता, बादाम पिस्ता, मावमलाई पिस्ता, रोस्टेड आलमंड काजू, रोस्टेड आलमंड गुलकंद, शाही गुलाब, गुलाब मस्ती, गोल्डन बाइट, विंटर क्रीम, और ट्रेडिशनल आइटम में घोटाला, टाइटेनिक बोट, संडे, पाइनएप्पल संडे, मैंगो संडे, अलग अलग तरह की बाकी दस बहुत सी आइटम है। वंडरफुल 15 + 5 = 20 आइटम्स आपने, 20 फ्लेवर्स तुरंत बोल दिया, अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, बट मैंने 20 गिने हैं। सो क्या बात है, बहुत फटाफट आपने 20। और ये घोटाला क्या है, घोटाला बताइए। घोटाला हम 3-4 आइसक्रीम को मतलब मिक्स करके उस पर पूरा टॉपिंग करके उसको ऊपर फ्लेवर और जेली उसका पूरा मतलब सजा के इस तरह के एक बाउल में पूरा मतलब बना के देते हैं। ग्रेट। तो उस लोगों को एक ही चीज में 5 से 6 फ्लेवर, 3 तरह के आइसक्रीम होते हैं और 3 तरह के टॉपिंग होते हैं ऊपर, और उस पर ड्राई फ्रूट और जेली का पूरा मिक्सरण करके उसको पूरा बना के देते हैं और लाइव बनाते हैं, तो वो एकदम उसका टेस्ट हर चमची में अलग अलग टेस्ट आता है, तो मतलब वो घोटाला हो गया अपन जो गुजराती में बोलते हैं, उसको समझ में नहीं आता मैं कि ये टेस्ट खा रहा हूँ या ये खा रहा हूँ। ये जो घोटाला खाने से मुझे लगता है घोटाले वाले लोग आते होंगे, लेकिन उनका घोटाला जो है वो सुलझ जाता होगा। हम अभी 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 नया नया हमने चालू किया, हम बर्थडे में जिस तरह केक होता है ना उस तरह हम पूरा आइसक्रीम बनाते हैं, पिज्जा आइसक्रीम बनाते हैं, पिज्जा के शेप में पूरा उसका पिज्जा की तरह कटिंग करके 8 पीस कटिंग होते हैं, उस तरह का भी हम बनाते हैं लोगों को। अभी जैसे लॉकडाउन में केक नहीं मिली तो हमने उसको आइसक्रीम का केक बना के दिए। अच्छा, आइसक्रीम केक। हाँ, बर्थडे में मतलब वो जैसे फ्रिज में निकालो काटो और सब एक एक पीस लेके आप
जिस तरह अभी ये तो नॉर्मल हो गया, पेस्ट्री बनाते हैं उस तरह हम आइसक्रीम का ये पूरा बनाते हैं, आइसक्रीम केक बनाते, उसमें जैसे चोको बार के ऊपर लहर आती है उस तरह का पूरा वो चोको चॉकलेट से पूरा अंदर फ्लेवर अलग ऊपर चॉकलेट का अलग और ऊपर उस पर डेकोरेशन करके आपका नाम लिख के पूरा कंप्लीट करके देते हैं। ग्रेट, मेरा तो मन हो रहा है कि मनमोहक आइसक्रीम अभी पहुंचूं और अभी खाऊं, इतना आप डिटेल में समझाते हैं। और अब दोनों का मिश्रण अगर हम करें आइसक्रीम और हलवा का, तो हिमाचल जी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया, आप शायद नहीं थे उस टाइम कि आइसक्रीम में टॉपिंग करनी है, आप थे, अगर उसके ऊपर टॉपिंग करनी है तो हलवा का पीस काट कर आप टॉपिंग। एक्चुअल ये बात बढ़िया है, आइस हलवा मेरा फेवरेट रहा है और हम जब भी बॉम्बे जाते हैं घर पर से पहली डिमांड होती है कि भाई बॉम्बे से हलवा लेके आना, वो माइम से वो जो आप बोल रहे हो वो मतलब स्पेशली बॉम्बे से जाना है तो बॉम्बे का हलवा घर पे लेके आना है, और वही आप जो केसर वाला बोल रहे हो वही फ्लेवर बेस्ट लेके आते हैं। हम उस पर बिस्किट का टॉपिंग करते हैं और वो चोको शॉट आता है उसका टॉपिंग करते हैं, हम छतरी लगाते हैं ऊपर टॉपिंग करके पूरा वो टाइटेनिक बोर्ड जैसा बनाते हैं उसमें, अगर उस पर वो हम आपका हलवा का भी ट्राई करेंगे अब की बार कि भाई वो भी लगा के उसको कस्टमर को खिलाए। बिल्कुल, और सैंडविच भी कर सकते हैं, दो हलवा की जो है उसके साथ जैसे हमारा सैंडविच आइसक्रीम आता है तो इस तरह से इसका भी सैंडविच बन सकता है, सैंडविच हो सकता है जी। कोशिश कीजिए ऐसा हम कुछ नया खाएं, आइस हलवा आइसक्रीम मनमोहक श्री हिंगलाज सब मिक्स करके घोटाला बना के कुछ कीजिए हमारे लिए, वो भी। ओके चलिए, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आपकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और कौन सी वेबसाइट से कोई ऑर्डर कर सकता है, कहाँ कहाँ ऑर्डर कर सकता है, कैसे अगर मुझे ऑर्डर करना है बाहर बैठ के तो कहाँ कहाँ आप आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकता हूं, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर अगर हो तो, या फिर आपकी वेबसाइट प्लीज। जी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको आपकी सिटी में ही आपको मेरा हलवा मैं आपको पहुंचा दूंगा, आपकी सिटी जहां पर भी हो गुजरात में वहां पर आपको हलवा मिल जाएगा। तो आप अगर इंस्टाग्राम आईडी और अपनी वेबसाइट का मुकेश कोठारी 88@gmail.com मेरी पर्सनल आईडी है, आप कभी भी कोई भी बात हो, फ्रेंचाइजी हो, कोई हमारी कंप्लेन हो, हम कस्टमर की कंप्लेन पहले सुनते हैं, सबसे बड़ी बात। ग्रेट ग्रेट, ये बहुत ही बड़ी बात, कस्टमर अगर कोई कंप्लेन कर रहा है कोई भी बात है तो उसको एट ए टाइम उसका निकाल होना चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए और कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, बहुत से कस्टमर हमको सजेशन करते हैं कि आप इस तरह की आइटम बनाओ यह बनाओ, तो वो चीज हम उसको इम्प्लीमेंट भी लाते हैं और वो चीज बनाते भी। ओके ग्रेट, सो मनमोहक की वेबसाइट है वहां पे भी आप जा सकते हैं और हम श्री हिंगलाज आइस हलवा से भी पूछेंगे उनकी वेबसाइट कौन सी है और इंस्टाग्राम आईडी कौन सा। जी मेरी वेबसाइट है www.halwawalas.in और हमारी फेसबुक आईडी है श्री हिंगलाज आइस मुंबई आइस हलवा वाला और इंस्टा आईडी भी हमारी यही है हलवा वालाज, उस पर आप पेज पे जाइए मुझे कॉल कीजिए और कहीं पर भी आप गुजरात की कोई भी सिटी में बोलिए आपको वहां पर मैं हलवा डिलीवर कर। ग्रेट, चलिए मैं आपको आज फोन करूंगा। डन, श्योर, आई एम वेटिंग। ओके ओके, श्री हिमाचल जी, श्री योगेश जी एंड श्री मुकेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी फ्रेंचाइजी के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, आइसक्रीम के बारे में, आइस हलवा के बारे में, हिस्ट्री बताई, आपकी जर्नी बताई, बहुत सारी बातें की। अब हम आपसे चाहते हैं मुकेश जी कि आप एक शॉर्ट मैसेज हमारे दर्शकों को दें, कोई भी आप मैसेज दे सकते हैं ताकि वो उनको मोटिवेट करे और फील गुड मैसेज अगर आप दे पाए। श्योर, परेशानियों से डरना क्या, मुश्किलें जिंदगी का नाम है, मुश्किलें नहीं आएगी तो जिंदगी में आप
आगे क्या कर पाओगे, तो आप ऊपर वाले से कहो आपको जो करना है, आपको जो भेजना, मुझ पर विश्वास रख, जो है हम उसको हल करेंगे और उसको आगे बढ़ेंगे। तो मैं हमारे जितने भी दर्शक मित्र जो भी है, सबसे कहना चाहता हूँ कि ये कोविड या कोई भी चीज से, कोई भी उससे डरने की जरूरत नहीं है, सेफली थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी हर बिजनेस, हर चीज चलने वाली है और बढ़िया चलने वाली है और बहुत अच्छा होने वाला है। और आइसक्रीम के लिए तो मैं बहुत आशावादी हूँ कि आइसक्रीम का बिजनेस हमारे हाइजेनिक जो आइटम है, जो बढ़िया है, कस्टमर सज अभी सज वो हुआ है, थोड़ा अवेयरनेस भी हो गए अपने स्वास्थ्य को लेके, तो ये बेटर आइटम, बेटर वस्तु, बढ़िया चीज़ें सब बहुत अच्छे ग्रो करेगी। इसलिए इसका आप भविष्य बहुत अच्छा है, बेटर रहे, सेफ रहे, मस्त रहे, खुश रहे और आइसक्रीम खाते रहे। क्या बात है, सेफ रहे, मस्त रहे, खुश रहे और आइसक्रीम खाते रहे। मुकेश जी, एंड नाउ योगेश जी, प्लीज एक मैसेज अगर आप देना चाहें सभी को, व्हाट विल इट बी? जी बिल्कुल, मेरा एक सिंपल सा मोटो है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप खाली सपने देखो, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है, कुछ भी कर सकते हो आप, तो उसको लेके चलता हूँ, उसी पे काम करते हैं हम लोग। और एक दूसरा, मेरे सलमान खान का मेरा फेवरेट एक्टर, उसका एक डायलॉग था, कहीं सुना था मैंने उसको, कि अगर आदमी के पिछवाड़े पे लात पड़ती है तो दो कदम आगे जा, पीछे नहीं जा। तो जब भी समझ लो मुश्किल आए, अगर आपको लात पड़े तो समझ लो अभी आपका आगे आने का टाइम हो गया। ग्रेट, क्या बात है, क्या बात है। अभी आपने सलमान खान की बात की, तो हम दोनों ही योगेश जी और मुकेश जी से पूछना चाहेंगे, अगर श्री हिंगलाज आइस हलवा के लिए आपको कोई ब्रांड एम्बेसडर सेलिब्रिटी की जरूरत हो, अरे अरे, तो आप कौन सा एक्टर पसंद करना चाहेंगे? हिमाचल भाई मेहता, सैफ अली का। क्या बात है, हिमाचल मेहता जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहेंगे। और मनमोहक आइसक्रीम से हमारे मुकेश जी सैफ अली खान चुनते हैं, क्यों, आपकी फेवरेट है वो? मुझे उसका थोड़ा अच्छा लगता है। गुड गुड, क्या बात है। सबसे एक्टर में आपने पूछा तो मेरा सबसे फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन की जो स्ट्रगल है, जो चीज है, जो उन्होंने गिर के वापस खड़े हुए हैं और आज नंबर वन है, तो मैं पर्सनली अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन हूँ। और उनकी जो ब्रांड एम्बेसडर मनमोहक आइसक्रीम के बाजू में अगर फोटो हो तो कौन होगा? सैफ अली खान। सैफ अली खान, ग्रेट ग्रेट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े हैं और अपना कला। और हम इस इंटरव्यू को समाप्त करने के लिए समाप्त करें, उससे पहले श्री हिमाचल मेहता जी से एक मैसेज हम सभी दर्शकों के लिए चाहेंगे। हिमाचल मेहता जी, एवरीवन, निखिल जी, आज ही मैंने एक पोस्ट रखी थी गुजराती में, अज्ञानतानो साक्षात्कार, त्यांथी ज परम आनंदनी क्षणोनी उजवणी थती होय छे। इसका मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा कि अगर अज्ञानता का साक्षात्कार हो जाए, ज्ञान तो फुट फुट के भरा है सभी में और पूरी दुनिया में, लेकिन अगर अज्ञानता का साक्षात्कार हो जाए तो वहीं से तो परम आनंद की शुरुआत होती है। तो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक मनमोहक आइसक्रीम मुकेश जी एंड श्री हिंगलाज आइस हलवा से योगेश जी एंड ऑफ कोर्स निखिल अवर फेवरेट को होस्ट, you know, you are my brand ambassador. So, thanks to you and thanks to all the viewers. Aur viewers ko bhi hum batana chahenge ki if you are enjoying this show, if you want to come to the show, if you want to go from local to global, you are always welcome. You can contact us. You can visit our website www.khadyakhurak.com. Yahan se aap hume contact kar sakte hai, hum tak jud sakte hai. Agle shanivar, सलाह शनिवार में भी कुछ नया लेकर के आ रहे, जो काफी लोगों को पसंद आएगा, कुछ मोटिवेट करेगा, कुछ अपनी प्रोडक्ट्स में सुधार लाएगा। अगर उनको भी कोई तकलीफ है तो वो वहां पे वो अपना पक्ष रख सकेगा।
So we wish you all the best. Stay healthy, stay happy. बस खाते रहे, पीते रहे और आइसक्रीम भी खाए, हलवा भी खाए और मजेदार जिंदगी बिताते रहिए. Over to you, Nikhil. क्या बात है, क्या बात है. बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमने की एंड विद दैट स्वीट मैसेज आपने तीनों ने हमारे दर्शकों को दिया. बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, मुकेश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. और हम सबको आप जोड़ के आपका हम हमेशा बहुत बहुत आभारी रहेंगे. और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड वी सेल्फी टुगेदर. वन थैंक यू हिमाचल भाई. थैंक यू निखिल भाई. Yogesh, this is a selfie. Yes. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Bye. Have a great day. Thank you.